संबल जनपद में नौकरशाही पर एक बार फिर सवाल ये निशान लगा दिया है। जहां एक चकबंदी लेखपाल पर काम करने के एवज में सुविधा शुल्क मांगे जाने पर ना देने पर ग्रामीण की बेटी से दुराचार तक करने की बात करने की ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। संबल के चकबंदी महकमे के लेखपाल की गुंडाई सामने आई है। पैमाइश के बदले लेखपाल ने किसान से रिश्वत मांगी। रिश्वत ना देने पर किसान को गाली दी और किसान की लड़की से दुष्कर्म की धमकी दी। लेखपाल की गुंडाई और रिश्वतखोरी का मामला चकबंदी विभाग गन्नौर का है, जहां के एक लेखपाल ने गांव फरीदपुर के बुजुर्ग किसान राजेंद्र को फोन कर पैमाइश के बदले रिश्वत मांगी। किसान ने जब रिश्वत पर ना नुकुर किया तो लेखपाल ने गंदी गाली दी। किसान ने भी गाली का जवाब गाली से दिया, जिसके बाद लेखपाल ने उसकी लड़की से दुष्कर्म की धमकी दी। यही नहीं, उसने किसान यादव की जाति का नाम लेकर जाति आधार पर दुष्कर्म की धमकी दी। पीड़ित किसान ने लेखपाल की गुंडाई का ऑडियो वायरल किया है। मामले पर एसडीएम गन्नौर ने जांच की बात कही है। दुष्कर्म की धमकी पर एसडीएम ने कहा कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है भैया? राजेंद्र बोल रहे हैं आप? हाँ जी, क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? चलो तुम बताओ कौन बोल रहे हो? कानून को साहब बोल रहे हैं पैमाइश के लिए। कानून को साहब? हाँ। अच्छा, गिन्नौर? हाँ। अच्छा साहब, तो पैमाइश कब आओ बताओ। अब आएगा, तुम बात करोगे तभी तो आएंगे, बिना ऐसे कैसे आ जाए ये बताओ। तो तुम वो गिन्नौर क्या बजे मिलोगे? तुम्हारा ये तुम्हारा खसरा संख्या 440 441 है। हाँ हाँ, बोलो। रखवा 19 19 बीघा। हाँ, जो भी है। हाँ तो बताओ क्या करना है इसमें, तो मैं इसके लिए आ जाऊँ ना। तो तुम वो ये बताओ, मिलो एक काम है, तुम्हें गिन्नौर आ जाऊँगा। कल कर दिए पैमाइश? मैं पैमाइश आज ही करूँगा, कल टाइम लेंगे मेरे पास, वही लखनऊ जमा भेजना है। तो आज मैं कैसे बताऊँ, मैं तो घर पे ही हूँ। और जो मैं बिना पुलिस के ना आऊंगा, पुलिस साथ लेके आऊंगा, मैं उसका खर्चा करवाऊँ फटाफट, मैं चलने वाला हूँ। ऐसा तो मुझे इतनी जल्दी पैसा मैं कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगा? तुम वो कल इतला कर देते, दाम तुम इंतजाम कर लिए तो फिर मैं तुम पे 1000 रुपये ना लगलंग खर्चे के तुम पे। अरे आप पूछिए, पुलिस वाले ने पूछिए सर, ऐसी बात तो हमें ना चाहिए साहब, हम तुम्हारी पैमाइश कर जाएंगे, हमें सरकार दे रही है, हमें ना चाहिए 1 रुपये तुम्हारा। लखनऊ से ऊपर से डंडा हो गया, हम क्या करें? तो कल ना आ सकता आप भैया, कागज से बैठा है। कल तुम आज शादी तुम्हारी आज होगी तो कल कल लेने जाओगे दुल्हन तुम अपनी? वो है कि 3 साल है, 4 आई आई के मास के तक के करवावे करवावे। आप तुम्हारा हो गया दुनिया तो सड़क की आने को एकदम, आप पैमाइश कर जाओ तुम और टाल ले। टाल तो मैं कल लेके आ रहा हूँ, मैं ज्यादा थोड़ा हूँ। तुम्हें कहीं ना जाना, कुछ ना करना, जो खर्चा करना है जनसेवा के अंदर कहा है तुम्हारे यहाँ है? तुम्हारे जनसेवा के अंदर कहा है? जनसंख्या केंद्र? हाँ, गिन्नौर ही है। ये तुम्हारे गाँव में ना है ना, तो तुम आ जाओ गिन्नौर, आ जाओ फिर पैसे लेके। ठीक है, पैसा लेके। हाँ खर्चा ना करूंगा। ठीक है, मैं आऊंगा, पैसे इंतजाम है वो तो ना, तो कल कर दियो। लेखपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें रिश्वत थोर की बात कर रहा है, उसके अलावा गंदी गाली भी दे रहा है, रेप करने की धमकी दे रहा है, क्या है मामला, क्या करवाएंगे इसे? चकबंदी विभाग का एक लेखपाल का ऑडियो वायरल है, इसमें अभी जानकारी मिली है, कोई लिखित शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है। उसी की जो ऑडियो भैया उसी को एसओसी साहब को भेजते हुए जाँच के लिए भेजा जा रहा है, और अगर किसी का लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो उसको अलग से जाँच करते हैं। जांच लायक है सर, ये मुकदमे लायक है? वो रेप की धमकी भी दे रहा है सर, जाति आधार पर सर। हाँ, तो जो जिसे धमकी दी गई है वो अभी कोई शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है, अगर ऐसा आता है तो उसमें संबंधित धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाए। ये कौन लेखपाल है, क्या इनके कुछ नाम? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, चूंकि केवल ऑडियो ही अभी प्राप्त हुआ है, तो उसी ऑडियो की जाँच की जा रही है कि कौन लेखपाल है और कहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ रहते हैं? फरीदपुर। अच्छा, कानून को के और आपके बीच में
ऑडियो जो रुपयों की ऑडियो है, गाली गलौज हो रही है, क्या है पूरा बताएंगे? गलाली के पैसे मांग रहे। कौन मांग रहे? कानूनगो साहब। कितने रुपए मांगे थे? 10,000। अच्छा, किस बात के? 440-441 नापी वे के जमा करी वे के। तो आपने दे दिए थे? नहीं।